हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। आज हम आपको मिलवा रहे हैं ऐसे बिजनेस टाइकॉन से जिसने कभी हार नहीं मानी। दूध बेचने से लेकर इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करके कामयाबी की वो दास्तां लिख दी, वो मिसाल बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सूरत के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर अजीत जोन के फाउंडर एंड सीईओ अजीत राज पुरोहित जी की, जो आज इंडिया के टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक चमकता हुआ सितारा बन चुके हैं। आज भी सिर्फ कामयाब बिजनेसमैन ही नहीं, बल्कि मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस एक्सपर्ट और नारी सशक्तिकरण को भी आगे बढ़ा रहे हैं। सोशल मीडिया पर 18 लाख से ज्यादा लोगों का भरोसा उनके साथ जुड़ा हुआ है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बहुत सारे अवार्ड से उनको नवाजा गया है, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल द्वारा टेक्सटाइल में एक्सलेंस अवार्ड उन्हें मिला है, और हजारों महिलाओं को घर से बिजनेस शुरू करवाने में उनका बहुत बड़ा योगदान भी है। अजीत राज पुरोहित की कहानी एक मध्यम परिवार में जन्मे बच्चे की कहानी है, जिसे 12वीं कक्षा के बाद आर्थिक अभाव के कारण स्कूल छोड़नी पड़ी और दूध बेचना शुरू किया। दूध बेचने वाले इस लड़के ने सपने देखना नहीं छोड़ा और अजमेर के छोटे से गांव से निकलकर सूरत आ पहुंचा, और यहां आकर उन सपनों को सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि उन लाखों व्यापारियों के लिए सच करके दिखाया, और यहां के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अजीत जोन को एक अलग मुकाम पर खड़ा कर दिया। जिनका मानना है कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, अगर मैं कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है। 2008 में एक छोटी सी दुनिया से शुरुआत की अजीत जोन की, जिसके साथ आज 75,000 से ज्यादा व्यापारी वर्ग जुड़ा हुआ है और जिसका कारोबार दुनिया भर के 32 देशों में फैला हुआ है। इसके साथ अजीत जी ने 450 से अधिक आदिवासी महिलाओं को रोजगार दिया है। खुद की उनकी गौशाला है जिसमें 450 गाय हैं, मुक्ति धाम जिसका इन्होंने रिनोवेशन करके घूमने लायक बनाया है, और 5,000 से ज्यादा महिलाओं को घर से व्यापार शुरू करवा कर खुद के पैरों पर खड़ा करके आत्मनिर्भर बनाया है और नारी सशक्तिकरण को आगे बढ़ाया है। अजमेर की गलियों से निकला अजीत आज सूरत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री का किंग अजीत राज पुरोहित बन चुका है। हमारी नजर में बड़ी बात ये नहीं है, बड़ी बात यह है कि बिजनेस को जरिया बना के अजीत जी ने सिर्फ अपनी ही जिंदगी नहीं बदली, बल्कि साथ साथ लाखों जिंदगियां भी बदल डाली। ऐसे इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर को हम दिल से सलाम करते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।